सभा में शामिल हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने अपने कैरियर में ज्वाइन किया तो इस कारण बाबा साहब की बदौलत हम लोग आईएएस में आ पाए, तो अपने लोगों की सेवा में, अपने लोगों की हर तरह की उनके साथ बेइंसाफी को खत्म करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। ज्यादा नहीं, मैं कुछ अपने जो तजर्बे हैं अपने कैरियर के वो मैं आपके साथ शेयर कराऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, खास करके अधिकारी वर्ग है, उस पे हमारे अपने समाज को आगे लेकर जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 1999 में डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में डेप्टी कमिश्नर तैनात था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि पंजाब में कहीं भी जिला हेडक्वार्टर पे बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है तो क्यों ना एक बाबा साहब का स्टैचू जो हेडक्वार्टर है, डेप्टी कमिश्नर ऑफिस है, उसमें लगाया जाए। तो मैंने उस समय के मुख्यमंत्री जी से बात की, इसलिए भी बात की कि मैं बाबा साहब का स्टैचू लगाना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए इस ऐसी बात की कि इस साल अगर माननीय बीआर अंबेडकर जी का जो स्टेट लेवल का फंक्शन है अगर बठिंडा में मनाया जाए तो मैं सारे अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। तो हर साल एक दिन 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को मनाते हैं, तो सीएम साहब ने हाँ कर दी कि बना लो, कोई बात नहीं, किसी ने किसी जिले में जाना है तो बठिंडा में आ जाएंगे। तो मैंने उसके बाद अपना जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे उनसे बात की, मेरे पास जो चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है उसका भी चार्ज था, उसमें फंड्स वगैरह भी काफी थे, तो मैंने उनको बताया कि सीएम साहब अगर आएंगे जो स्टेट लेवल का फंक्शन है और एक स्टैचू लगाना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो वो कहते ठीक है आप एक प्रपोजल भेज दीजिए। तो मैंने प्रपोजल भेज दिया, सेंक्शन आ गए, तो हम लोग पर्सनली दिल्ली आए, दिल्ली से उस जो स्टैचू बनाते हैं उन लोगों से बात की जिन्होंने पार्लियामेंट में स्टैचू बनाकर दिया था, उसी से हमने स्टैचू उस समय 5 लाख रुपए में लिया और 14 अप्रैल को वो स्टैचू बठिंडा में डीसी दफ्तर में लगाया। तो बाकी का जो 5 लाख रुपया था वो हमने फंक्शन की ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाय पानी के लिए, फंक्शन की तैयारी करने के लिए पूरे का पूरा हमने 10 लाख रुपया उस टाइम खर्च किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी काम करना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो वो सिस्टम में रहते हुए भी बहुत काम कर सकते हैं। उसके बाद भी मैं 2-3 जिलों में फिर दोबारा डेप्टी कमिश्नर रहा, लेकिन चांस नहीं मिला। लेकिन 2016 में मैं फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट आ गया। जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होगा आपको मालूम होगा कि बाबा साहब लॉ के साथ साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट चाहते थे। प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसमें आप बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे काम प्लानिंग के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो मैंने फाइनेंस पार्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे बात की, 16 की बात है, ये इलेक्शन ड्यू हैं तो 50 स्टेट असेंबली के, अगर हम हरेक जिला हेडक्वार्टर पे
वापस हम भीमराव अम्बेडकर का एक स्टैचू लगा दें तो इसमें आपको पॉलिटिकल एडवांटेज बहुत होगा। तो मान गए, तो हमने प्लानिंग से एक प्रपोजल बनाया, एफएम से फाइनेंस मिनिस्टर से उसकी अप्रूवल ली, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा, दोनों डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंस एक ही मिनिस्टर के पास गए, उधर से फिर हमने फाइनेंस रिलीज करवाया और 15-15 लाख रुपया हमने हर डेप्टी कमिश्नर को स्टैचू लगाने के लिए भेज दिया। और पंजाब मेरे ख्याल में फिर को इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन पंजाब में 22 जिले हैं और आज हर जिले में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं पिछले 27-28 साल की जितनी मेरी सर्विस है, बहुत लंबी लिस्ट है अगर मैं बताने लगूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं उनको सिस्टम में रहते रहते भी वो अपनी कम्युनिटी के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए, खासकर SC ST लोगों के लिए वो बहुत काम कर सकते हैं और करना चाहिए। क्यों? कई बार ऐसा देखने में और सुनने में आता है कि कुछ ऑफिसर जैसे 2015 में अपने तीनों जाति ने IAS में काम किया, बहुत अच्छी बात है, उससे सभी लोगों ने फख्र महसूस किया होगा। स्टेट में भी कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर दिया है, उन्होंने रिजर्वेशन अवेल नहीं किया, IAS में भी आए, IPS में भी आए और दूसरी सर्विस में इंजीनियर डॉक्टर के तौर पे भी आए। तब उनका एटीट्यूड देखने में आता है कि वो ये सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर रिजर्वेशन का या हमारे इम्यूनिटी का कोई एहसान नहीं है, इसलिए क्योंकि हम तो अपने बलबूते पे आए हैं। मैं इस तरह की सोच का बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। क्यों नहीं अप्रूव करते? क्योंकि ये जो पढ़ने का अधिकार है, स्कूल जाने का अधिकार है, अगर आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तभी तो आप टॉप कर पाए, तभी तो आप जनरल कैटेगरी में आ पाए। नहीं तो अगर बाबा साहब ऐसा अधिकार हमें नहीं लेकर देते तो आप रिजर्वेशन में भी नहीं आ सकते थे, जनरल कैटेगरी में तो क्या आना था। तो इसलिए हम जो पढ़े लिखे कैटेगरी है, पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जो दफ्तरों में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो SC ST लोगों के लिए कंपैशनेट रहे। उनके साथ 70 साल देश आजाद होने के बाद भी आज भी बहुत धक्का होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई ऑफिसर जो प्रमोट होकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं या और प्रमोशन लेते हैं तो एक नियत के साथ, एक षड्यंत्र के साथ उनकी जो ACR है वो कई साल पहले खराब कर दी, डाउनग्रेड करनी शुरू हो जाती और ताकि वो टॉप पे ना पहुंच सके। और बहुत सारी चाले, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जनरल कैटेगरी के लोग कि वो जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफिसर्स हैं, मुलाजिम हैं, वो पहुंच ना पाए यहां, वो पहुंच सके। सो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का जो उनके साथ धक्का होता है, उसके लिए 2-3 चीजें मैं समझता हूं जिम्मेवार है। एक तो ये कि जो SC ST ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो अपने आप को हमेशा टोन अप करें। जब से कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, किसी भी लेवल पे ज्वाइन करते हैं, तो वो किसी से कम ना रहे अपनी ईमानदारी में, अपनी मेहनत में और अपनी कॉम्पिटेंसी में। अपने आप को हमेशा नई जो वो सीख सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे कोई नया कोर्स है, ताकि इंडिस्पेंसेबल हो जाए। दूसरे जो
डिपार्टमेंट का गुजारा नहीं है। छोटी से छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक सभी एम्प्लॉइज ये ना किसी को मौका दे कहने का कि ये तो रिजर्व कैटेगरी से है, ये तो कम नंबर लेकर आए हैं, इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, जैसे पापा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि जो उनका नौजवानों को पैगाम था कि जो हमारे नौजवान हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको एजुकेशन में लियाकत में किसी से कम नहीं रहना चाहिए। वन सेकेंड कि वो सभी लोग जो कुछ बन गए हैं उनको अपनी कमाई का कम से कम 5% हिस्सा अपने समाज की भलाई के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हम लोग अपनी लाइफ के सफर में जब चलते हैं तो जो भी आए हम अच्छे कपड़े पहन के अच्छे घरों में अच्छी गाड़ियों में अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो ये सब पापा साहब की बदौलत है। अगर वो हमारे लिए इतना नहीं करते जो उन्होंने किया तो आज भी हमारी जो दशा है वो वही होती जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर दादे पर दादे की हुआ करती थी। तो इसलिए हमारी जो पोजीशन बनी है वो हमारे सभी भाई बहनों की ऐसी पोजीशन अभी नहीं है। अगर हम गांव में जाएं, अगर हम शहरों में जो सलम्स है उसमें जाएं तो अभी ज्यादा हालात अच्छे नहीं है। तो इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी लोगों के लिए अपने उन लोगों के लिए काम करें ताकि वो लोग जिसका जो अभी जिन्होंने ये पोजीशन हासिल नहीं की वो भी आजादी के जो माहौल है उसमें सुख का सांस ले सके। बहुत अभी काम करना बाकी है। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में अभी जो सबसे बड़ी कमी है वो यूनिटी की कमी है, एजुकेशन की कमी है और ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी है जो एक हमें जो डायरेक्शन दे सके, जो हमें एक रास्ता दिखा सके समाज को। ऐसे हमारा पूरा समाज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया वो बहुत बड़ा हुआ है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, पर फिर भी कई तरह का जो लैंग्वेज का और हर तरह का जो उसमें डिसेबिलिटी है, जब तक हम सभी लोग पढ़ा लिखा समाज आगे आकर लीडरशिप पैदा नहीं करते, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करते, अपना उनको सारे सभी लोगों को इकट्ठा नहीं करते, तब तक ये जो बेइंसाफी है मैं समझता हूँ ये चलती रहेगी, इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी जो ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले हम अपने पुरखों को अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर हुए हैं फूले जी हुए हैं हमारे जो अच्छे हमें जो रास्ता दिखाने वाले संत हुए हैं उनको हम पढ़े, उनका हर स्टेट की लैंग्वेज में उसका एक लिटरेचर पैदा हो, उसका एक जो मिडिल क्लास है वो इससे काम करे। जब तक हम अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने स्टेट में पास्टर्स को जागृत करने के लिए काम नहीं करते और उनको अपने सही रास्ता नहीं दिखा सकते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप है उसकी बहुत जरूरत है हमारे समाज को, क्योंकि मैंने पढ़ा कहीं रिसेंटली कि अगर जो चिड़ी होती है बहुत छोटी सी चिड़ी होती है उसको जिसको हम इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, अगर चिड़ियां इकट्ठी हो जाए और तहैया कर लें और वो शेर की खाद निकाल सकती है, यूनिटी में इतना दम है। अगर हम लोग आज कमजोर हैं
शिक्षा में कमजोर है या हमारे में यूनिटी नहीं है, तो ये पॉसिबल है अगर हम इकट्ठे हो जाएं, हम शिक्षित हो जाएं, तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को चैलेंज कर सकते हैं। और हमारी जरूरत क्या है, हम किसी को दबाना नहीं चाहते, हम किसी को हराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर इंसान भारत में जिससे सदियों से जुल्म हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, इंसानियत का जो हक है वो सबको मिले, इसके लिए बहुत काम करना साथियों अभी बाकी है। मेरे को आप सभी का दर्शन करने का, भाइयों का, बहनों का ये मौका मिला, मैं पैगाम का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जयती साहब का, जसविंदर जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा किसी मंच पे आकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जो मैंने पहले जयती साहब को और बहन जी को सुना, तो मैं अपने आप में ही एक लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मेरी सारी की जो अपना लाइफ है वो अपनी कम्युनिटी के लिए, सेवा के लिए मैं अर्पण करना चाहता हूँ। ये एक अच्छा फोन है जिसने काम करने के लिए मैं सकता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।